Okay, so in the last lecture, in the last session, we saw, अगर आपको याद होगा हमने कल के session में, previous session में, pressure measuring devices start किया था. उसमें हमने mercury barometer देखा है और barometer, as I told you, is used to measure atmospheric pressure. वो atmospheric pressure measure करने के लिए use किया जाता है. तो there is another pressure measuring device which is called as ओपन ट्यूब और यूट्यूब मैनोमीटर. तो ये जो मैनोमीटर है इट इज यूज टू मेजर गेज प्रेशर. तो गेज प्रेशर कब मेजर करते हैं वो आज आपको समझिएगा. सो लेट्स सी सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस विच इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब या फिर यूट्यूब, बिकॉज यहाँ पे यू शेप का ट्यूब यूज करते हैं. अगर आपको याद होगा हमने मर्क्यूरी बैरोमीटर में एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब यूज किया था 1 मीटर लेंथ का और 1 सेंटीमीटर डायमीटर का. यहाँ पे हम एक ओपन ट्यूब यूज करते हैं विच इज यू शेप, इसलिए इसको यू ट्यूब मैनोमीटर भी बोलते हैं. तो सबसे पहले आई विल टेल यू वेरी बेसिक थिंग, ये कि करना क्या है. करना ये है कि हमारे पास एक चेम्बर है. मान लो वी हैव अ चेम्बर हियर. जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है वैसे यहाँ पे मान लो एक चेम्बर है. इस चेम्बर में गैस है. तो इस चेम्बर को मैं नाम दे देता हूँ, लेट मी कॉल दिस चेम्बर एस डी. इस चेम्बर का मुझे प्रेशर मेजर करना है. यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर मान लेते हैं प्रेशर हियर इज पी. ओके, ये प्रेशर पी हमको मेजर करना है. तो व्हाट वी विल डू इज अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग थिंग. हम एक यूट्यूब ले लेंगे. सो Let us take a YouTube. So we have a YouTube here, maan lo, which is connected to this chamber. हमने वो जो YouTube हम लेने वाले हैं हम उस YouTube को इस chamber के साथ connect कर रहे हैं. Okay, so ऐसा एक YouTube होगा जो उस चेंबर वेसल जो भी है सिलेंडर डी के साथ कनेक्टेड है. ओके, देन व्हाट वी डू नेक्स्ट इज हम इसमें एक लो डेंसिटी लिक्विड लेंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक लो डेंसिटी लिक्विड. कहाँ पे? यूट्यूब में. वी विल टेक लो डेंसिटी लिक्विड लाइक वाटर और केरोसिन. ऐसा क्यों? देखो, ये समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब ये चेंबर कनेक्ट नहीं किया था, मतलब जब डी सिलेंडर नहीं था. सो आई विल टेक दिस डायग्राम अगेन एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस पार्ट, पेस्ट इट हियर. ओके, तो व्हेन यू डिड नॉट हैव, जब आपके पास यहाँ पे वो सिलेंडर नहीं था, डी सिलेंडर नहीं था, तो एज आई टोल्ड यू यहाँ पे दोनों के दोनों एंड्स में लेवल सेम रहेगा लिक्विड का. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर, सेम गैसेस. तो सेम गैसेस विल एग्जर्ट सेम प्रेशर, तो लेवल विल रिमेन सेम. ओके, तो लेवल विल रिमेन सेम, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर. नाउ जैसे ही आपने यहाँ पे सिलेंडर चेंबर डी कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे चेंबर डी में जो गैस है उसका प्रेशर है, और वो प्रेशर जो है वो यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर एग्जर्ट करेगा. तो दूसरे आर्म में, इन द अदर आर्म ऑफ द यूट्यूब, लिक्विड का लेवल ऊपर जाना चाहिए. क्योंकि आपको याद होगा हम हाइट से, मतलब लेवल के डिफरेंस से प्रेशर मेजर करते हैं. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज हम लोग इंटेंशनली यहाँ पे एक लो डेंसिटी लिक्विड फिल कर रहे हैं, सो दैट जब आप इसको डी सिलेंडर के साथ कनेक्ट करोगे तो डिफरेंस इन द हाइट, इन द लेवल्स, इन द टू आर्म मस्ट बी लार्जर. आप इंटेंशनली ऐसा करते हो क्योंकि आपको डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रखना है इंटेंशनली. ऐसा क्यों रखना है? क्योंकि हम अल्टीमेटली, एज यू विल सी सून, हम अल्टीमेटली इस हाइट का यूज करके प्रेशर मेजर करेंगे उस सिलेंडर डी के अंदर. तो वी विल एक्चुअली यूज दिस
डिफरेंस इन लेवल एच टू मेजर गैस प्रेशर इनसाइड डी। ये डी आपके घर का गैस सिलेंडर भी हो सकता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर का मेजरमेंट कैसे होगा वो समझने के लिए पहले हम तीन पॉइंट्स इमेजिन कर लेंगे। एक पॉइंट है ए, जो सीधा सीधा ओपन आर्म के टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिया है हमने, तो ये ए पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फियर है, तो ए पॉइंट इज टेकन एट द फ्री सरफेस ऑफ दैट लो डेंसिटी लिक्विड एंड इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फियर, सो दैट प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, देन हम लोग यहां पे एक पॉइंट लेंगे सी पॉइंट और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट लेंगे बी पॉइंट। अब आपको ऑलरेडी पता है सी पॉइंट पे प्रेशर है पी, क्यों? क्योंकि ये जो सिलेंडर डी था, ये सिलेंडर डी में जो फ्लूइड है मतलब गैस है, तो फ्लूइड ही है ना वो, तो जो गैस है, ये जो गैस है ये रेस्ट पे है, और आपको पता होता है कि प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एवरीवेयर। तो अगर मुझे डी गैस का प्रेशर मेजर करना है और ये गैस रेस्ट पे है, तो प्रेशर यहाँ पे लो तो भी पी, यहाँ पे लो तो भी पी, यहाँ पे लोगे तो भी पी, यू कैन टेक एनी वेयर द प्रेशर विल रिमेन सेम बाय पास्कल्स लॉ। क्योंकि पास्कल्स लॉ क्या बताता है हमको, वो यही बोलता है दैट द प्रेशर एट ईच पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एवरीवेयर, तो वो सेम प्रेशर है। तो प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पी विच इज गैस प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ कंटेनर डी, गैस प्रेशर ऑफ कंटेनर सिलेंडर डी। ओके, अब बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, बी पॉइंट पे प्रेशर होगा ड्यू टू हाइट ऑफ द लिक्विड अबोव पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर एक लिक्विड है, अगर आपने वाटर लिया है तो वाटर, केरोसिन लिया है तो केरोसिन, एच प्रो जी प्लस उस लिक्विड के ऊपर ए पॉइंट है और ए के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो प्लस पी ए। तो टोटल प्रेशर एट पॉइंट बी इज ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेयर, तो आप इसको लिख सकते हो पी बी इज इक्वल टू एच रो जी प्लस पी ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने पहले ही बोल दिया है। अल्सो आपको पता है बी पे प्रेशर और सी पे प्रेशर सेम होने वाला है, क्यों सेम होगा, सिंस बी एंड सी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मैंने कल के सेशन में ही आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट सेम लेवल पे है तो उनका प्रेशर जो है वो सेम होता है, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एक पॉइंट के ऊपर गैस है दूसरे पॉइंट के ऊपर लिक्विड है, डजंट मैटर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू नो। गुड, देयरफॉर पीबी इक्वल टू पीसी है ना, लेकिन पीबी क्या है, एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और PC क्या है, PC is pressure P inside the chamber, तो P आ गया, therefore यहाँ पे आपको मिलेगा P minus P0 equal to H rho G, तो आपने गेज प्रेशर याद है कि गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज गेज प्रेशर, तो दिस इज हाउ यू मेजर गेज प्रेशर और मेजर प्रेशर इनसाइड अ सिलेंडर कंटेनिंग अ फ्लूइड एट रेस्ट, दिस इज हाउ यू मेजर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, एक्सट्रीमली सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल। मैं वापस बता देता हूँ कि हमको करना क्या था, यू हैव टू फॉलो वन बाय वन। समवन आस्क्ड मी फ्यू डेज बैक कि गेज प्रेशर का एग्जाम्पल, तो आज हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है। नंबर वन, हमारे पास एक चेंबर है, एक सिलेंडर है, एक बलून है, जो भी होगा उसमें एक गैस है, राइट, उस सिलेंडर चेंबर बलून को मैं नाम दे रहा हूँ डी,
उस गैस में जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है हमको मेजर करना है, मतलब डी में कितना प्रेशर है वो मेजर करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक यूट्यूब ले लिया, यूट्यूब में एक लो डेंसिटी लिक्विड हमने फिल किया है। लो डेंसिटी लिक्विड फिल करने के पीछे रीजन ये था कि जब हम यूट्यूब को उस सिलेंडर के साथ, डी सिलेंडर के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसमें जो गैस है तो वो इस लिक्विड पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो लिक्विड का जो हाइट है दोनों आर्म में, एक आर्म में कम हो जाएगा, एक आर्म में बढ़ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस इन लेवल है इन द टू आर्म्स ऑफ लिक्विड, दिस डिफरेंस शुड बी मोर। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट आप लोगे एच, इस हाइट से ही हम प्रेशर मेजर करने वाले हैं। तो लो डेंसिटी लिक्विड वी हैव टेकन जस्ट टू मेक श्योर दैट देर इज सफिशियंट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू आर्म्स। क्योंकि बहुत कम डिफरेंस हो तो हाइट मेजर कैसे करोगे आप, इसलिए आपको ये लो डेंसिटी लिक्विड लेना पड़ेगा, लाइक केरोसिन और वाटर, राइट। देन हमने तीन पॉइंट इमेजिन कर लिए। ए पॉइंट जो लिक्विड के फ्री सरफेस पे है, ओपन साइड में, जिस ट्यूब के दो आर्म है, एक आर्म सिलेंडर डी से कनेक्टेड है और एक आर्म ओपन टू एटमोस्फियर है। तो ए पॉइंट हमने फ्री सरफेस पे लिया है एट द ओपन साइड ऑफ द ट्यूब। हमने दो पॉइंट लिए, बी एंड सी इन द टू आर्म्स, और ये बी और सी पॉइंट दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। नाउ व्हाट वी नो इज प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वेशन नंबर वन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों आया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए आया बिकॉज ए वाज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर। ओके, ए वाज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, तो ए पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन पॉइंट सी पे जो प्रेशर होगा, इट इज इक्वल टू प्रेशर इनसाइड चेम्बर डी विच इज पी। क्यों? बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ टेल्स यू दैट प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट इट्स सेम एवरीवेयर, वो हर जगह पे सेम ही होता है। तो सी पॉइंट पे, सी पॉइंट के ऊपर क्या है, गैस, कौन सा गैस, जो सिलेंडर डी में था, तो सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, पी होगा। ओके गुड, देन क्वेश्चन नंबर टू, देन प्रेशर एट बी पॉइंट क्या होगा, एच रो जी, वेयर एच इज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबोव बी पॉइंट, प्लस प्रेशर एट ए, क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड है, उसके ऊपर एटमोस्फियर है, तो ये टोटल प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा एच रो जी प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर, इक्वेशन नंबर थ्री, राइट। बट एज यू नो कि बी और सी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ये इक्वल आएंगे, इसलिए आप लिख सकते हो एच रो जी प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर पी जीरो इक्वल टू पी। देयरफॉर आप लिख सकते हो पी माइनस पी जीरो इक्वल टू एच रो जी। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट गेज प्रेशर। तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया था, दिस इज हाउ यू फाउंड आउट गेज प्रेशर। ओके, तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वन बाय वन हम लिखते भी जाएंगे और एक बार और रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज इफ यू हैव टू राइट दिस इन एग्जाम, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, तो आई डोंट वॉन्ट यू टू मेमोराइज थिंग। समझ लो, मैनोमीटर क्या करता है, गेज प्रेशर मेजर करता है, ये पता है। मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पता है, यस। थ्योरी पता है, यस। तो लिखना कैसे होता है, कभी भी यू हैव टू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द डिवाइस फर्स्ट। डिवाइस दिखता कैसा है, उसका शेप क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। तो यूट्यूब या फिर सिंपली अ मैनोमीटर, अ मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड ट्यूब पार्टली फिल्ड विथ लो डेंसिटी लिक्विड, विथ लो डेंसिटी लिक्विड सच एज केरोसिन और वाटर। ओके,
ये लो डेंसिटी लिक्विड क्यों लिया था हमने, सो एज टू मेंटेन अ गुड डिफरेंस इन लेवल. सो दिस हेल्प्स इन हैविंग, दिस लो डेंसिटी लिक्विड हेल्प्स इन हैविंग अ लार्जर डिफरेंस, लार्जर लेवल डिफरेंस बिटवीन the level of liquid in two arms of your tube. Okay, then उसके बाद एक आर्म हमने ओपन टू एटमॉस्फेयर रखा है, दूसरा आर्म हमने कनेक्ट किया है. सो वन आर्म ऑफ द ट्यूब या फिर ऑफ द मैनोमीटर भी बोल सकते हो, ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर और इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड the other arm is connected to the container, is connected to the container of which pressure P is to be measured, pressure P is to be measured. राइट, इतना एक्सप्लेन कर दिया. नाउ यू हैव टेल कि ये जो ए बी सी पॉइंट है हमने इमेजिन किए हैं. सो कंसिडर पॉइंट्स ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर. राइट, तो आप बोल सकते हो प्रेशर एट ए क्या है. सो प्रेशर एट ए, pressure at point A is atmospheric pressure, is atmospheric pressure. Therefore, PA equal to P0, equation number 1. Okay, then you can say pressure at point C, pressure at point C will be equal to, will be equal to the pressure of the container, will be equal to the pressure of the container D. ये क्यों लिख पा रहे हैं हम लोग, because of Pascal's law. In accordance with Pascal's law, in accordance with Pascal's law, therefore you can say PC equal to P, equation number 2. Also, pressure at point B is PB equal to H rho G plus PA. Therefore, PB is equal to H rho G plus P0, equation number 3, since PA equal to P0. But points C and B, points B and C are at same horizontal level, are at same horizontal level. Therefore, you can say that PB equal to PC, equation number 4. Okay, so aap bol sakte ho from equation number 2, 3 and 4. Therefore, from
equations 2, 3 and 4. What you have is PB की जगह पे H rho G plus P0 और PC की जगह पे P. Therefore, P minus P0 equal to H rho G. ये आपके पास आ गया equation number 5. So, equation 5 gives gauge pressure. Therefore, equation 5 gives gauge pressure of the gas inside the container. All right, so this is how you measure gauge pressure. So those who asked me, किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो दिस इज द एप्लीकेशन एंड दिस इज हाउ यू मेजर गेज प्रेशर बेसिकली. और जरूरत होती भी है हमको गेज प्रेशर मेजर करने की, बिकॉज एज यू नो कि अगर आप किसी एक चैम्बर में, सिलेंडर में, इवन टायर में ज्यादा एयर भर दोगे तो ज्यादा प्रेशर की वजह से फट जाता है वो. तो यू नीड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रेशर. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन फिलिंग फ्लूइड और गैस इन साइड अ चैम्बर. आप नहीं कर सकते वैसा. दिस लिमिट टू एवरीथिंग. तो अगर आपने ज्यादा गैस भरने की कोशिश की तो वो कंटेनर, वो चेंबर, वो टायर फट जाएगा. राइट, सो एक्सट्रीमली सिंपल टॉपिक इट वॉज. ओके, सो नाउ हमने अभी तक फ्लूइड्स की बात की इन जनरल. वी वर नॉट सेइंग लिक्विड स्पेसिफिकली. हम लोग स्पेसिफिकली ऐसा लिक्विड होगा ऐसा हमने बोला ही नहीं है. हम फ्लूइड्स की बात कर रहे थे, मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, मतलब गैस और लिक्विड कंबाइंड हम बात कर रहे थे. नाउ वी विल मेक अ ट्रांजिशन टू अ टॉपिक विच इज मोस्टली कंसर्न्ड. मैं मोस्टली बोल रहा हूँ. ओके, यू डोंट टेक इट कि वो गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा नहीं है. हमको जो अगला टॉपिक देखना है वो मोस्टली लिक्विड के केसेस में कंसिडर होता है, मोस्टली. Right, so that topic is called as surface tension. Point number one, जैसे आपने stretch wire, stretch string के केस में देखा है, क्या था, हमारे पास एक वायर थी, इस वायर के नीचे हमने एक लोड लगा दिया था, और ये लोड क्या कर रहा था, ये इस पे एक वेट, मतलब दिस वेट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर. तो इस केस में टेंशन टी एक्ट हो रहा था टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन. तो देयर इज अ फोर्स व्हिच इज स्ट्रेचिंग द वायर, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन इन द वायर. ओके, टेंशन ये एक फोर्स है जो वायर को टॉट, मतलब स्ट्रेच्ड पोजिशन में रखता है. टेंशन ये फोर्स है. ओके, सरफेस टेंशन और ये टेंशन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, दे आर नॉट द सेम. तो कहाँ पे सरफेस टेंशन बोलना है, कहाँ पे टेंशन बोलना है, ये याद रखना. टेंशन कब आएगा, जब वायर है आपके पास, स्ट्रिंग है आपके पास. ओके, सरफेस टेंशन कब आएगा, लिक्विड के सरफेस पे. और टेंशन फोर्स है, लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है, वो हम आगे देखेंगे. तो difference number one, tension is always to be spoken when you are talking about a stretched wire or string. Surface tension, it is always in case of liquids at the free surface of liquid. Tension is just force, m1 l1 t minus 2, mass into acceleration, m1 l1 t minus 2 newton ne measure hoga. सरफेस टेंशन ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब m1 t minus 2, मतलब न्यूटन पर मीटर में मेजर होगा. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन. तो आपने अभी तक व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन रियल लाइफ, और बेसिकली रियल लाइफ से ही आप फिजिक्स को कनेक्ट करते हो,
तो जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप आपने देखा होगा स्फेरिकल शेप होता है, कभी ऐसा देखा क्या स्क्वायर शेप ड्रॉप? नहीं देखोगे क्योंकि वो लिक्विड ड्रॉप नहीं होगा। हेल स्टॉर्म हो सकता है, मतलब वो जब बर्फबारी होती है दैट इज हेल स्टॉर्म, तो दैट इज नॉट अ लिक्विड। मैं यहाँ पर लिक्विड की बात कर रहा हूँ, फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं ना। गुड, आपने इनफैक्ट इवन यू लुक एट योर नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट स्टार कौन सा है? अर्थ, अर्थ से नियरेस्ट स्टार कौन सा है? सन। तो जब आप सन को देखते हो वो भी फ्लूइड है, मेड अप ऑफ गैस एंड प्लाज्मा, वो भी स्फेरिकल शेप है। गुड, राइट। देन हैव यू एवर वंडर्ड, कभी से सोचा है कि ये स्पीयर ही क्यों है शेप? ये ऐसा कुछ अलग शेप क्यों नहीं बना, ये स्पीयर ही क्यों बना? राइट, तो इट इज बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या करता है? इट ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया, सरफेस एरिया। तो कम से कम सरफेस एरिया होने के लिए स्पीयर ही शेप बनता है, और कम से कम सरफेस एरिया क्यों होता है लिक्विड्स के केस में? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या हम ऑब्जर्व करते हैं। और एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, अगर आपके पास एक लिक्विड है तो लेट मी टेक लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर की टॉप लेयर पे मतलब अपर सरफेस पे, एट द अपर सरफेस ऑफ वाटर, वहां पे आपको एक लेयर जैसा कुछ दिखता है, और उस लेयर पे स्पाइडर, स्पाइडर कैन वॉक। तो उस सरफेस पे स्पाइडर जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, दोज हु कैन वॉक विदाउट पंचरिंग, विदाउट मेकिंग होल्स, इनको बोलते हैं वाटर स्पाइडर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि ये वाटर स्पाइडर जो है ये लिक्विड पे चल कैसे पा रहा है? हम तो इंसान तो नहीं चल सकते ना, राइट? चींटी भी नहीं चल सकती, राइट? छोटा सा अगर माउस है तो वो भी नहीं चल सकता, राइट? छिपकली है तो वो भी नहीं चल सकती, तो ये स्पाइडर ही क्यों चला? तो बेसिकली यू मे थिंक कि इसका वेट बहुत कम है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ वेट कम है, दैट इज ट्रू, लेकिन रियलिटी ये है कि किसी भी लिक्विड एट रेस्ट, जो लिक्विड रेस्ट पे है उसके सरफेस पे एक लेयर बनता है। वो क्यों बनता है वो आगे देखेंगे, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज लेयर ड्यू टू सरफेस टेंशन। जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डोंट डोंट मिक्स इट विद दैट। जब आप दूध को गर्म करोगे फिर उसके ऊपर मलाई आएगी, दैट इज डिफरेंट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, दूध के ऊपर जैसे एक लेयर बनता है वैसे ही एनी लिक्विड एट रेस्ट, एनी लिक्विड एट रेस्ट उसके ऊपर एक थिन लेयर बनता है, दैट इज कॉल्ड लेयर ड्यू टू सरफेस टेंशन। और वो लेयर ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से ये स्पाइडर वॉक कर पाया। और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो हम बारिश में रेनकोट, छाता, ये सब हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो वो जो रेनकोट या फिर छाता, उसका जो फैब्रिक होता है, अम्ब्रेला का जो फैब्रिक होता है, वो डेफिनेटली कॉटन नहीं होता। कॉटन होगा तो पानी सारा आपके ऊपर। ओके, तो दैट फैब्रिक, ऐसा क्या है उस फैब्रिक में कि वो पानी को पास नहीं होने दे रहा? तो इन रियलिटी अगर आप किसी भी फैब्रिक को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो यू सी समथिंग लाइक अ मेश, नॉट अ मेस। मैं मेश बोल रहा हूँ, मेश इज डिफरेंट एंड मेस इज डिफरेंट। ओके, तो अगर आप किसी भी फैब्रिक को, किसी भी कपड़े को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो व्हाट डू यू सी? आपको एक नेट जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसको मेश बोलते हैं। सो यू सी सम स्ट्रक्चर मोर और लेस लाइक दिस, आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ऑलराइट, तो वो जो रेनकोट या फिर जो अम्ब्रेला का मटेरियल है उसमें ये मेश स्ट्रक्चर इतना छोटा होता है, एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन
वाटर यहाँ पे रुक जाता है, तो वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू दिस फैब्रिक ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो वाटर विल गेट स्टक एट दिस मेश स्ट्रक्चर, तो वाटर यहाँ से फ्लो नहीं होता ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर आप कॉटन का फैब्रिक यूज करोगे तो पानी पास हो जाएगा, राइट? तो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर सरफेस टेंशन, प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज देयर। इन सब केसेस में सरफेस टेंशन की वजह से ये सब हो रहा है, लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल ही बनता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सन हमारा स्फेरिकल है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ओके, राइट? देन लिक्विड की सरफेस पे कुछ इंसेक्ट्स लाइक वाटर स्पाइडर वॉक कर पाते हैं क्योंकि उस लेयर पे, लिक्विड के फ्री लेयर पे, फ्री सरफेस पे एक लेयर बना, दैट लेयर इज ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड इंसेक्ट्स लाइक स्पाइडर कैन वॉक ऑन दैट। अम्ब्रेला के फैब्रिक में से पानी नहीं पास होता बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस टेंशन। अब हमको ये समझना है कि ये सरफेस टेंशन आया क्यों, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट। तो सरफेस टेंशन क्यों आया, किसी भी लिक्विड के सरफेस पे लेयर क्यों बनता है, ये समझने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ओके? सो बाय द वे, जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्टरी नोट, सरफेस टेंशन जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि क्या करने वाले हैं, क्या ये प्रॉपर्टी है, तो लिख लेते हैं 2-3 लाइन, फिर आगे जाते हैं। तो सबसे पहले, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट नॉट इन मोशन। सो अ लिक्विड एट रेस्ट शोज अ वेरी इंटरेस्टिंग सरफेस प्रॉपर्टी। इंटरेस्टिंग सरफेस प्रॉपर्टी, सरफेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सरफेस पे ही होता है, अंदर नहीं होता लिक्विड के। वेरी इंटरेस्टिंग सरफेस प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। इनफैक्ट आप आगे जाके देखोगे कि आपके जो कपड़े होते हैं, खराब कपड़े, डर्टी क्लोथ, वो धोए कैसे जाते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ओके? तो ये आप आगे देखोगे, ओके? सो एग्जाम्पल आई कैन से, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, शेप ऑफ वाटर ड्रॉप और सोप बबल, शेप ऑफ वाटर ड्रॉप और सोप बबल इज स्फेरिकल, या फिर आप स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। और यू कैन से एग्जाम्पल नंबर टू, वॉटर स्पाइडर कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स विच आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स नाउ। अब किसी भी एक ऑब्जर्व्ड फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए देर आर थियोरीज। किसी भी ऑब्जर्व फिजिकल फेनोमेना को, कोई भी ऑब्जर्व फेनोमेना हो, जैसे मेरे घर में ट्यूबलाइट है, बटन चालू किया, लाइट बाहर आया, तो क्या हो रहा है अंदर, लाइट के अंदर क्या हो रहा है, वो एक थियरी से समझाया जा सकता है। तो सिमिलरली सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू हैव सम थियरी, ओके? तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो लेट अस स्टार्ट विथ मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ सरफेस टेंशन।
अब मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ यू शुड नो मैटर इन जनरल, जैसे वाटर हो गया, वाटर क्या है? H2O। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे आपको पता है H2O, ये एक मॉलिक्यूल और दूसरा H2O मॉलिक्यूल, वाटर वाटर मॉलिक्यूल, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब ये जो मेरे पास एक ग्लास है, मैंने ग्लास में पानी भर दिया तो क्या होगा? तो ऐसा होगा जहां जहां पे ग्लास का और वाटर का कांटेक्ट होगा, जहां जहां पे ग्लास का और वाटर का कांटेक्ट होगा, वहां वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा, राइट? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अभी रिपल्शन भी हो सकता है लेकिन मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा थियोरी अट्रैक्टिव फोर्सेस पे बेस्ड है। तो द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू नो इज मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मैंने पहले ही बताया कि वाटर और वाटर, H2O, H2O में भी अट्रैक्शन हो सकता है, H2O और सिलिकेट, क्योंकि ग्लास लिया था वो सिलिका से बनता है, तो H2O मतलब लिक्विड और सॉलिड में भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो यू कैन हैव अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस लाइक वाटर एंड ग्लास, ऐसा भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो बेसिक बेसिक, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स, एनी टू मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उसमें से पहला टाइप है कोहेसिव फोर्स, फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या हुआ? दोनों मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के थे, सेम टाइप के थे, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहेजन। ओके, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। दूसरे टाइप का क्या है? दूसरा टाइप कौन सा है? एडहेसिव। और अगर आपको पता होगा, ये जो आप ले आते हो ना दो चीजों को चिपकाने के लिए, फिर चाहे वो फेविक्विक हो, चाहे वो जिसको आप गम बोलते हो, उसको अगर आप कभी पैकिंग पे ढंग से पढ़ोगे तो उस पर लिखा होता है एडहेसिव। व्हाई एडहेसिव? क्योंकि वो दो अलग अलग सब्सटेंस को चिपकाता है।
it the role of that gum Fevikwik, whatever company it is, that adhesive liquid adhesive glue, the role of that is to stick two different substances together. So cohesive force kya tha? The force of attraction between the molecules of same substance. Adhesive kya hoga? The force of attraction between the molecules of different substance. Example, water water molecule mein force hoga, cohesive hoga. Water or glass, kyunki aap pani peete ho to glass mein bharte ho pani pee liya fir bhi thoda bahut pani glass ke surface ko chipak ke rehta hai, it is because of adhesive force. So force of attraction between molecules of different substance. Example, force of attraction between water molecule and glass surface is called as adhesive force. So ye do type ke forces aapko pata hone chahiye. Humko in reality surface tension seekhna hai, lekin surface tension seekhne ke liye aap logo ko intermolecular forces kya hote hai wo pata hona chahiye, aur intermolecular forces ke type kya hote hai wo pata hona chahiye. So we'll start with cohesive force, and it is very simple. The force of attraction between the molecules of the same substance is known as cohesive force or force of cohesion. Example, the force of attraction between two water molecules, the force of attraction between two water molecules, two से ज्यादा भी हो सकता है, तो आप इन जनरल बोल सकते हो the force of attraction between water molecules is an example of cohesive force. मैं लिख नहीं रहा हूं वो. अब ये जो cohesive force है ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये होता है strongest in solid और weakest in gases. क्यों? क्योंकि intermolecular forces distance पे depend करते हैं, और आप मैंने chapter की शुरुआत ही इसलिए आपको difference से की थी कि solids में क्या होता है. Solids में बहुत closely packed arrangement है, molecules बहुत close है. Liquid में molecules थोड़े दूर है, प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं है. गैसेस में तो एक कहाँ तो दूसरा कहाँ कहाँ, देयर फार अवे फ्रॉम ईच अदर. तो डिस्टेंस ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा. तो सॉलिड्स को डेफिनेट शेप इसीलिए मिलता है बिकॉज ऑफ क्लोज पैक अरेंजमेंट. इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट. In solids and weakest in gases. Weakest in gases, and hence solids have definite shape and gases do not. Now ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि अब मैंने तो बता दिया आपको, क्या बताया कि एक ग्लास में आपने लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया. ओके, तो यू हैव फिल्ड वॉटर इन साइड दिस ग्लास, और जब आपने इसको
इस ग्लास को आप उल्टा करोगे तो लेट मी टेल यू व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी। सो जस्ट अ मिनट, तो इसको मैंने फिल कर दिया पानी से, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। नाउ व्हाट हैपेंस, इस ग्लास को अगर मैंने उल्टा कर दिया तो क्या होगा, ये पानी बाहर गिर जाएगा, लेकिन कुछ पानी, थोड़ा पानी वो सॉलिड सरफेस को चिपक के रह गया बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स, बिकॉज देयर वाज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द सरफेस ऑफ ग्लास। गुड, करेक्ट। फिर आप बोलोगे एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स एडहेसिव का तो मिल गया, क्योंकि ग्लास का मटेरियल अलग है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स है वहां पे, वाटर के मॉलिक्यूल्स है वाटर में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ग्लास मॉलिक्यूल, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप, एडहेसिव फोर्स। वेयर इज एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स, ये पानी नीचे क्यों आया फिर, पानी नीचे अपने आप तो नहीं आएगा, क्या होगा जब पानी नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरा, उसने दूसरे को खींचा, उसने दूसरे को खींचा, तो ये एक के पीछे एक ये अपने आप क्यों आएंगी, दे आर फ्लोइंग या फिर एक फ्लूइड है, नॉट ओनली बिकॉज जब आपने इसको उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं है, इवन इन ट्यूब्स इन रिवर्स पानी फ्लो क्यों होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल गया तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तू भी मेरे साथ चल, दूसरा गया तो तीसरे को करेगा, तीसरा गया तो चौथे को करेगा, तो ये क्या है, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप, मतलब एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स। ऑलराइट, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट फॉर टुडे वी विल फिनिश एडहेसिव फोर्स राइटिंग पार्ट, बता तो दिया है मैंने आपको एडहेसिव फोर्स क्या होता है। सो सेकेंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स वॉज एडहेसिव फोर्स, और बहुत सिंपल है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स ऑफ एडहेशन, या बोल सकते हो इज कॉल्ड एज एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ एडहेशन। एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वॉटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स, बिटवीन वॉटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, तो सरफेस टेंशन समझने के लिए ये दो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और भी है, और भी कुछ बेसिक डेफिनेशन है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, ये सब पता होगा तो फिर सरफेस टेंशन क्यों होता है वो समझेगा, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।